हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे साबुदाना फ्रूट कस्टर्ड। इसके लिए हमने आधा किलो दूध लिया, 3 स्पून साबुदाना, 4 स्पून शुगर, 1 स्पून कस्टर्ड पाउडर, 1 स्पून चिया सीड्स, ड्राई फ्रूट्स। सबसे पहले हम चिया सीड्स को भिगोएंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे पानी और इसको 10 मिनट के लिए भिगोएंगे। नेक्स्ट हम साबुदाने को भिगोएंगे 10 मिनट के लिए। दूध हमने बॉईल होने के लिए रख दिया। हमने इसमें थोड़ा सा दूध निकाल लिया था, उसमें हम कस्टर्ड का घोल बनाएंगे। इसमें ऐड करेंगे 2 स्पून कस्टर्ड। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें ऐड करेंगे शुगर 4 स्पून, और इसमें ऐड करेंगे जो हमने कस्टर्ड का घोल बनाया था। इसको हिलाएंगे और इसको 5 मिनट्स के लिए पकाएंगे। नेक्स्ट हम भिगोए हुए साबुदाने को अच्छे से वॉश करेंगे 3-4 टाइम्स। पानी हमने फुल बॉईल कर लिया, अब इसमें ऐड करेंगे वॉश हुआ साबुदाना और इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे, जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। साबुदाना हो गया, हमने उसको अच्छे से वॉश कर लिया दोबारा, ऐसे दिखेगा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कलर। अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे, करेंगे मिक्सिंग। इसमें ऐड करेंगे हमारा कस्टर्ड, ये साबुदाना, चिया सीड्स। इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और लास्ट में हम ऐड करेंगे बहुत सारे फ्रूट्स। अब हम इसको 2 आवर्स के लिए फ्रिज में रख देंगे ठंडा होने के लिए। ये रेडी हो गया साबुदाना फ्रूट कस्टर्ड। आप सब लोग भी ट्राई करें और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कैसा बना। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।